Chapter number 7, Where I Stay. सब लोगों ने निकाल लिया टेक्स्ट बुक? यस, वेरी गुड. नाउ सी द फर्स्ट पॉइंट कि हम इस चैप्टर में कौन कौन सी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं. पहला पॉइंट अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउस. हम अलग अलग घर के बारे में पढ़ेंगे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउस में कौन कौन से टाइप के हाउसेज आते हैं, उनके क्या नाम हैं, वो कौन से मटेरियल से बनता है, उनको बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. हम सबसे पहले उसके बारे में पढ़ेंगे. पॉइंट नंबर 2 अबाउट स्पेशल काइंड्स ऑफ हाउस. कुछ हाउस ऐसे होते हैं जो स्पेशल होते हैं, वो कौन से हाउसेस हैं, हम उसके बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे. अबाउट पीपल हु बिल्ड द हाउस. हम उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो हाउसेस को बिल्ड करते हैं, यानी कौन कौन से लोग घर को बनाने में मदद करते हैं. तो आओ सबसे पहला हम पॉइंट देखते हैं. स्टार्टिंग पॉइंट, नेम दिस रूम्स. यहाँ पर एक पिक्चर दिखाया है, आपको उसको देखकर पहचानना है कि इस रूम को क्या बोला जाता है. यहाँ एक विंडो है, नाइट लैम्प रखा है, और यहाँ पर एक बड़ा सा बेड है, 2 पिलोज है और 1 ब्लैंकेट है. तो ये सारी रूम कहाँ होती है, ये सारी चीज़ें कहाँ होती है, कौन से रूम में होती है? करेक्ट, बेड रूम. तो एवरीवन राइट योर बेडरूम. एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ बेडरूम? BED, बेड. ROOM, रूम, बेड रूम. मैं वापस से बोल रही हूँ बेटा, स्पेलिंग BED, बेड. ROOM, रूम, बेड रूम. सो दिस इज द स्पेलिंग ऑफ बेड रूम. नाउ सी द नेक्स्ट पिक्चर. दिस इज अवर नेक्स्ट पिक्चर. Wow, so colorful picture. Oh, there is a gas stove, there is a fridge, oven, pan is there, all types of utensils are there. Utensil matlab bartan. Array, vegetables are also there, right? See, so many vegetables are also there. So anyone can tell me what is the name of this room? हमें गैस है, फिर फ्रिज है, ओवन है, फिर सारे बर्तन हैं, सारी चीज़ें, वेजिटेबल्स हम कौन से रूम में रखते हैं? यस, वेरी गुड, इट इज़ किचन, जहाँ पर मम्मी खाना बनाती है. तो एवरीवन राइट द स्पेलिंग ऑफ किचन. KITCHEN, kitchen. What is the spelling of kitchen? I'm repeating again, beta. KITCHEN, kitchen. Got it? लिख लिया सबने? तो आपको पता चल गया है पिक्चर को देखकर, ये बेडरूम है और ये किचन है. ये दोनों किसका पार्ट है? हमारे घर का पार्ट है. वेयर आई स्टे. वेयर आई स्टे मीन्स का मतलब हम कहाँ रहते हैं. वी लिव इन अ हाउस. और हमारे हाउस में एक बेडरूम भी होता है और किचन भी होता है. नाउ सी द लर्निंग लेडर्स. अ हाउस प्रोटेक्ट अस. अंडरलाइन करो प्रोटेक्ट अस का मतलब हमारा जो घर है वो हमारी हिफाजत करता है. प्रोटेक्शन का मतलब हिफाजत करना. हमारा घर हमारी किससे हिफाजत करता है? फ्रॉम बैड वेदर. बैड वेदर का मतलब जो मौसम जो बिगड़ता है ना, कभी तूफान आता है, कभी तेज बारिश होती है, तेज हवाएं चलती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. तो ये सारी चीज़ों से हमें कौन बचाता है? हु प्रोटेक्टर्स? अवर हाउस प्रोटेक्टर्स, है ना.
बहुत ज़्यादा तूफानी वाली रेन आती है तो हमें हमारा घर बचाता है ना हमें गीला होने से, येस और नो? धूप से भी कौन बचाता है? अवर हाउस प्रोटेक्ट अस, अंडरलाइन बैड वेदर एंड कीप अस सेफ। कीप अस सेफ का क्या मतलब है? वो हमें संभाल के रखते हैं, वो हमें हर एक बुरी चीज़ों से बचाता है। कौन? हमारा घर, मतलब हमारा हाउस। इट ऑल्सो मेक अस फील, अंडरलाइन करो, कंफर्टेबल। हमारा जो घर है वो हमें कैसा फील करवाता है? कंफर्टेबल। कंफर्टेबल मतलब आराम महसूस करवाता है। जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो हम अपने घर में आराम करते हैं ना, आराम से सो जाते हैं, हमें कोई परेशान नहीं करता है ना, और हमें किसी और के घर से ज़्यादा अपने घर में बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। यस और नो? यस। तो स्टूडेंट, यस, तो ये सब हमने क्या बनाया? हम कौन, हमें सेफ कौन रखता है? हमारा हाउस। हमारा हाउस हमें क्या रखता है? सेफ। वेरी गुड, ये सारी एक्शन आपने घर की बनाई, वेरी गुड। यस स्टूडेंट, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। इन दैट 5 मिनट्स यू हैव टू ड्रॉ द हाउस। आप अपनी पसंद का हाउस ड्रॉ करें एंड देन यू हैव टू शो मी। यस, वेरी गुड, सभी बच्चे ड्रॉ कर रहे हैं। सना, वेरी गुड। सुभान, चलो। यस, फरहान, वेरी गुड। यस, ये सभी बच्चे बहुत अच्छे से ड्राइंग कर रहे हैं। वेरी गुड, तापी वाला मोहम्मद, नाथा आयशा, यस, वेरी गुड। सी, कितना अच्छे से ड्राइंग कर रहे हो आप, तो टीचर की कितनी अच्छी बातें समझ रहे हो, वेरी गुड। फिर जो बच्चे का ड्राइंग हो जाएगा वो सब मुझे कैमरा में दिखाएंगे, ओके? यस, यू ऑल आर ड्राइंग वेरी नाइस। यस यूसुफ, वेरी गुड। यस, ड्रॉ एंड शो मी योर फेवरेट हाउस, वेरी गुड। यस, ऑल दिस 4 स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से ड्राइंग कर रहे हैं। मोहम्मद सिराज, यस, वेरी गुड। जैद, वेरी गुड। यस, वेरी गुड। चलो फटाफट, ओनली 5 मिनट्स। हाँ, यस, वेरी गुड। यस, ऑल दिस 4 स्टूडेंट्स आर वेरी डूइंग वेरी गुड, वेरी गुड। यस उमर फारूक, वाओ, आप सब तो बहुत अच्छा ड्राइंग कर रहे हैं। सभी बच्चे तो मेरा बहुत अच्छा ड्राइंग कर रहे हैं। पटेल, हमजा, हनीफ, आपने तो बहुत प्यारा हट बनाया, वेरी गुड। अब इसमें थोड़ा कलर भी कर दो बेटा, वेरी गुड। ओके हमजा, आप बहुत अच्छा कलर भी कर रहे हो हट पर खुद से, वेरी गुड। यस, एक्सलेंट। आप सब तो टीचर की बहुत अच्छे से बात सुनते हो और बहुत अच्छे से करते हो होमवर्क, वाओ, वेरी गुड। यस, वेरी गुड। सुभान, आपने भी बहुत अच्छा हट बनाया है। राज फैज, आपने भी अच्छा हट बनाया है, वेरी गुड। यस मुंशी राहिम, आपने तो बहुत प्यारा घर हट बनाया है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। यस अकरम, अच्छा बनाया है। फरहान शो मी, यस फरहान, वेरी गुड। थोड़ा ऊपर करो, यस। यस सना, आपने भी छोटा घर बनाया है बट बहुत अच्छा बनाया है, वेरी गुड, वेरी गुड। क्लैप योर हैंड्स लाउडली, यस, वेरी गुड। यानी हमने एक्टिविटी कंप्लीट कर दी, वेरी गुड। टेक आउट द पेज नंबर 35। नाउ वी विल लर्न काइंड ऑफ हाउस। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? काइंड्स ऑफ हाउस मतलब अलग अलग घर के बारे में पढ़ेंगे। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। अंडरलाइन करो एवरीवन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। सभी घर अलग अलग टाइप के होते हैं। लाइक, किसी का बंगलो होता है, अंडरलाइन करो। कोई लोग हट में रहते हैं या कुछ लोग तो अपार्टमेंट में रहते हैं। अंडरलाइन, बंगलो, हट एंड अपार्टमेंट। हम ये तीनों घर के बारे में अलग अलग करके पढ़ेंगे, वन बाय वन करके पढ़ेंगे।
different material are used to build different types of house. बच्चों आपको पता है घर बनाने के लिए बहुत अलग अलग टाइप के मटेरियल का यूज़ किया जाता है। आपको पता है कौन कौन सा मटेरियल यूज़ होता है कौन से घर बनाने के लिए? लेट्स सी, नाउ सी, दिस इज़ द हर्थ। हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? हम सबसे पहले हर्थ के बारे में पढ़ेंगे, जो अभी हमने बनाया ना, इसको हट बोलते हैं। हट मतलब झुपड़ी, कच्चा हाउस। हट मतलब कच्चा हाउस। ये हाउस पता है कैसे बनता है? इसमें मड का यूज़ होता है, स्ट्रो का यूज़ होता है और वुड का यूज़ होता है। इसमें तीन मटेरियल यूज़ होते हैं तब जाकर ये कच्चा हाउस बनता है। देखते हैं हम कच्चा हाउस कौन से मटेरियल से बनता है। चलो, सीयर, house made of material like, material का मतलब चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें का यूज़ होता है कच्चा हाउस बनाने के लिए। अंडरलाइन करो, straw, strow, straw मतलब एक सूखी घास होती है उसको बोला जाता है straw, mud यानी मिट्टी, and wood मतलब लकड़ा, आर कॉल कच्चा हाउस। मैंने जो अभी आपको जो घर बताया ना, ये वाला, इसको क्या बोला जाता है? HUT, हर्ट। हर्ट का मतलब है ये कैसा हाउस है? कच्चा हाउस। कच्चा हाउस बनाने के लिए हमें कौन कौन से मटेरियल की ज़रूरत है? मेरे बाद रिपीट करो, नंबर 1 स्ट्रॉ, मड एंड वुड। तो इसको कौन सा घर बोला जाता है? विच काइंड ऑफ हाउस इज दिस, कच्चा और पक्का हाउस? दिस इज अ कच्चा हाउस। दिस इज अवर पार्ट नंबर 2 स्टार्टिंग फ्रॉम टुडेज डेट। इन दिस चैप्टर टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द बंगलो। स्टूडेंट कैन यू सी दिस पिक्चर? यस, विच पिक्चर इज दिस? This is the picture of a bungalow. Bungalow means जो ground पे बनाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? Bungalow. See this bungalow picture is so beautiful. Bungalow is having the garden. एक car park की गई है और कितना प्यारा उसको बनाया गया है और कितना अच्छा उसका color है। So this picture is known as the picture of a bungalow. Which picture is this? This is a picture of a bungalow. Let's see what is bungalow. Bungalow kya hai? See, house made of material. Material matlab saman. Bungalow banane ke liye hume kaun kaun se saman ki zarurat padti hai? उसको इंग्लिश में मटेरियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मटेरियल। अब बंगलो बनाने के लिए हमें कौन कौन से मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है? तो अंडरलाइन करो, ब्रिक्स, BRICK, ब्रिक्स का मतलब ईंट की ज़रूरत पड़ती है। ईंट कौन से कलर की आती है? रेड कलर की। सीमेंट, दूसरा मटेरियल क्या चाहिए हमें बंगलो बनाने के लिए? सीमेंट। वुड मतलब लकड़ियों की भी ज़रूरत पड़ती है हमें बंगलो बनाने के लिए। एंड स्टील, और हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? स्टील मतलब आयन, आयन मतलब लोखंड की ज़रूरत पड़ती है हमें घर बनाने के लिए। तो बंगलो बनाने के लिए हमें कौन कौन से मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है? चलो रिपीट आफ्टर मी, सब बच्चे रिपीट करेंगे मेरे बाद। नंबर 1 ब्रिक्स, जोर से बोलो ब्रिक्स, सीमेंट, वुड एंड स्टील। ये सारी चीज़ों का यूज़ करके हम क्या बनाएंगे? बंगलो। क्या बनाएंगे? बंगलो। आर कॉल पक्का हाउस। बंगलो कैसा हाउस है? पक्का हाउस। देखिए, दिस इज नोन एज बंगलो।
इसको बंगलो बोला जाता है। बंगलो बनाने के लिए हमें ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है, सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, वुड की ज़रूरत पड़ती है और स्टील की ज़रूरत पड़ती है। और ये उसके बाद ये मटेरियल से जो घर बनता है वो पक्का हाउस बोला जाता है। कैसा हाउस? पक्का हाउस। यानी तेज़ बारिश आती है, बहुत ज़ोरों से हवा आएगी या तूफान आएगा, बट हमारा ये जो घर है वो टूटेगा नहीं। तो ये बंगलो कैसा हाउस है? पक्का हाउस। बंगलो कैसा हाउस है? बोलो ज़ोर से सब लोग, पक्का हाउस। बंगलो बनाने के लिए हमें कौन कौन से मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है? ब्रिक्स, सीमेंट, वुड एंड स्टील। अपार्टमेंट एंड बंगलोज आर सम एग्जांपल्स ऑफ पक्का हाउस। पक्का हाउस मतलब वो घर जो ब्रिक्स, सीमेंट, वुड और स्टील से जो घर बनते हैं, वो सारे घर को कौन से घर बोला जाता है? पक्का हाउस। कौन सा घर बोला जाता है? पक्का हाउस। पक्का हाउस आर, अंडरलाइन करो, स्ट्रॉन्ग देन कच्चा हाउस। जो कच्चा हाउस है उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा हाउस होता है? पक्का हाउस। अभी देखो, ये हमारा कच्चा हाउस है, हमारा जो हट था वो कैसा हाउस था? कच्चा हाउस। बट हमारा जो बंगलो है वो हमारे हट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी वो पक्का हाउस है। ये तो स्ट्रॉ, मर्ड और वुड से बना है, इसलिए ये जल्दी टूट सकता है, यानी दिस इज़ अ कच्चा हाउस। ये हमारा बंगलो है जो सीमेंट से बना है, ब्रिक से बना है, लकड़ों से बना है और स्टील को यूज़ करके बनाया गया है, इसलिए ये हाउस कैसा हाउस है हमारा? पक्का हाउस। कैसा हाउस है? पक्का हाउस। आई बस समझ में बेटा? यस और नो? नाउ सी अबाउट स्पेशल टाइप्स ऑफ हाउस। Some houses are built according to the weather condition. Underline karo, weather condition of the place. They are called a special house. Iska kya matlab hua bachcho? Matlab kuch jaga aisi hai jinko dekh kar hame apna ghar banana chahiye. कुछ लोग माउंटेन्स पर रहते हैं, कुछ लोग पानी के पास रहते हैं, कुछ लोग लैंड पर रहते हैं, तो उनके घर अलग होते हैं, उनके घर कुछ स्पेशल बनते हैं। कैसे स्पेशल बनते हैं देखते हैं ऑन पेज नंबर 36। प्लीज़ एवरीवन टेक आउट द पेज नंबर 36। नाउ सी व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन पेज नंबर 36। पेज नंबर 36 पर पीपल लिविंग इन अ हिली एरिया हैव हाउसेस विद स्लोपिंग रूफ। जो लोग माउंटेन वाली जगहों पर रहते हैं उनके जो घर है वो स्लोपिंग रूफ वाले होते हैं। मतलब देखो, इधर दिखाती हूँ मैं, ये हाउस आपको दिख रहा है, ये माउंटेन के पास है। देखो ये दिख रहा है, ये माउंटेन्स, यहाँ पर सारे माउंटेन्स हैं, यानी ये जो घर है वो पहाड़ पर है। कहाँ पर है? इट इज़ ऑन अ माउंटेन। ये जो घर है वो माउंटेन पे बना है। अब उसका जो रूफ़ है वो स्लोपिंग। रूफ का मतलब मैं बताती हूँ, इसको रूफ बोलते हैं। इसकी जो छत है ना वो ऐसी स्लोपिंग है, यानी ऐसी ढली हुई है, ऐसी है इसकी रूफ, ऐसी है इसकी रूफ। ऐसी क्यों होती है? इसकी जो रूफ होती है वो ऐसी क्यों होती है? क्योंकि माउंटेन वाले एरिया पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और वहाँ पर बहुत सारे बर्फ़ भी गिरती है माउंटेन वाली जगहों पर। इसलिए जैसे ही यहाँ पर वाटर गिरेगा, बारिश का पानी गिरेगा, तो सारा पानी यहाँ से नीचे आ जाएगा
और यहाँ पर रूफ पर यानी छत पर कुछ भी जमा नहीं होगा। इसी वजह से जितने भी लोग माउंटेन्स वाली जगह पे रहते हैं वो अपना घर जो है वो स्लोपिंग वाला बनाते हैं। कैसा बनाते हैं? स्लोपिंग, स्लोपिंग रूफ वाला घर बनाते हैं। कैसा घर बनाते हैं? स्लोपिंग रूफ। स्लोपिंग रूफ का मतलब उनका जो घर होता है वो ऐसा स्लोपिंग वाला होता है, ऐसा ऐसा होता है जिससे यहाँ पर पानी जो गिरता है वो सीधा यहाँ नीचे गिर जाता है, यहाँ ऊपर जमा नहीं रहता है। तो जो लोग हिली एरियाज में रहते हैं यानी माउंटेन वाली जगह पर रहते हैं उनका रूफ कैसा होता है? स्लोपिंग रूफ। स्लोपिंग रूफ यानी यहाँ जो मैंने बताया ऐसा, सबके घर वहाँ पर माउंटेन्स पे सबके घर ऐसा होता है। नाउ सी द नेक्स्ट। इन द एरिया वेयर इट्स रेन्स हैवीली, अब जो जगह पर बहुत ज़्यादा हैवी बारिश होती है ऐसे जगहों पर पता है लोग कैसे घर बनाते हैं? दिखाऊंगी मैं अभी। द पीपल प्रीफर टू लिव इन अ स्टिल हाउसेस, अंडरलाइन करो STILT, stilt houses. Stilt houses का मतलब they are wooden house raised at the highest, मतलब ऐसे घर बनाते हैं। अब आप लोग देखो हमारा घर ऐसे थोड़ी ना बनता है पिलर्स पर लकड़ों की, नहीं। बट जो लोग हीली एरियाज में रहते हैं और जहाँ पर बहुत, जैसे आसाम, आसाम में बहुत सारी बारिश होती है हर साल, बहुत बारिश होती है। इसलिए जो लोग, जितने भी लोग आसाम में रहते हैं वो सबके घर ऐसी ऊंचाई पर होते हैं, ज़मीन पर तो होते हैं बट ज़मीन से वो लोग अपना घर इतनी ऊपर बांधते हैं, यानी वो लोग अपना जो घर होता है वो पिलर्स पर बिल्ड करते हैं। कौन से पिलर्स पर बिल्ड करते हैं? वुड पिलर्स। यहाँ पर बड़े बड़े है ना, स्टील होता है ना, स्टील, यहाँ पर स्टील के पिलर्स लगाए जाते हैं पूरे नीचे और फिर उसके ऊपर इतनी बड़ी सीढ़ी लगाई जाती है, फिर उसके ऊपर वो लोग इतना बड़ा घर बनाते हैं। यानी जो लोग जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ के लोग अपना घर कैसा घर बनाते हैं? STILT, stilt house। कैसा हाउस बनाते हैं? stilt house। इसको कौन सा हाउस बोलते हैं? अंडरलाइन करो STILT, stilt house। मतलब ऐसा पीलर्स को यूज़ करके उसके बाद अपना घर बनाते हैं। और बच्चों आपको पता है ये जो घर होता है ना वो किससे बनता है? पूरा वुड से। ये पूरा घर लकड़ों से बनता है, इसके अंदर ब्रिक्स और सीमेंट का यूज़ नहीं करते हैं। किसका यूज़ करके ये पूरा घर बनाते हैं वो लोग? जो स्टील हाउस है वो उसका मटेरियल कौन सा होता है, कौन से मटेरियल को यूज़ करके ये घर बनाते हैं? वुड। क्या यूज़ करते हैं वो लोग? WOODS, वुड। क्या यूज़ करते हैं वो लोग? वुड यानी लकड़ियाँ यूज करते हैं। हिली एरियाज में जो लोग रहते हैं वो अपना हाउस कैसा बनाते हैं? वेरी गुड, एक्शन करो सब बच्चे, स्लोपिंग रूफ। यस, एक्शन करो यूसुफ, एक्शन करो, स्लोपिंग रूफ, वेरी गुड। फिर जो लोग, यस, तो कैसा घर बनता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है? पीलर्स, पीलर्स वाले घर बनते हैं, है ना? सब लोग एक साथ बोलो पीलर हाउस, बोलो स्टील हाउस, वेरी गुड, ओके। न्यू हाउस, दिस हाउस इज नोन एज इग्लू। इसको कौन सा हाउस बोला जाता है? इसको इग्लू बोला जाता है। ये पता है किससे बनता है? पूरा स्नो से बनता है, स्नो मतलब बर्फ से बनता है। ये पूरा हाउस किससे बनता है? बर्फ से बनता है। अब देखो, इट्स वेरी कोल्ड प्लेस,
वी फाउंड अ स्पेशल हाउस कॉल्ड इग्लू, दे आर मेड ऑफ स्नो। जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है ना बेटा, तो ये घर वहाँ पर बनाया जाता है। ये घर पूरा पूरा बर्फ से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? पूरा बर्फ से। और इस हाउस का क्या नाम है बेटा? द नेम ऑफ दिस हाउस इज इग्लू। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस हाउस इज इग्लू। ये सेम ऐसे ही बनता है कि आपको यहाँ नीचे से जाना पड़ता है, फिर अंदर जाके बहुत बड़ा घर होता है ये। सो दिस हाउस इज नोन एज इग्लू। और ये कौन सी जगह पर बनता है? कोल्ड प्लेस। कौन सी जगह पर बनता है? कोल्ड प्लेस। तो आज हम सिर्फ यहाँ तक ही पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 2 के।